यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक नियमों के प्रति लगातार किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के बाद भी लोगों में हेलमेट पहनकर चलने तथा कानों में ईयरफोन ना लगाकर चलने की प्रवृत्ति की भावना जागृत नहीं हो रही है, जिसको लेकर एडीजी दावा शेरपा ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। कानों में ईयरफोन लगाकर चलने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसका खामियाजा परिजनों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिसका जीता जागता उदाहरण कुशीनगर की घटना है। उन्होंने तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले तथा स्टंट करने वाले युवकों को भी सचेत किया है। उन्होंने बताया, एक फैशन कहिए या शौक कहिए, बहुत दुखद है कि जब सड़क पार कर रहे हो, वाहन चला रहे हो, तब ईयरफोन लगा के उसमें बात करने या गाना सुनने की एक प्रवृत्ति दिख रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और विशेषकर दोपहिया वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय, पैदल जो है वो भी सड़क पार करते समय में कान में ईयरफोन लगाने की वजह से आसपास कोई हॉर्न या कोई सुनाई नहीं देना है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुशीनगर में एक दुखद हादसा इसी कारण से कि कान में ईयरफोन लगा के गाड़ी चला रहे थे और ट्रेन के हॉर्न या आवाज़ सुनाई नहीं दिया। इसके लिए सतर्क किया गया है, जहाँ तक संभव हो समझा के ही ठीक रहेगा, समझा बुझा के, क्योंकि वो अपने आप को हादसे के लिए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जान प्यारी है, सबको प्यारी है, हमारे ट्रैफिक के सिपाही हो या थाने के जो भी कर्मचारी हो, उनसे कहा गया है, कहा जाएगा, इसमें इंसिस्ट किया जाएगा। विशेषकर व्यस्त सड़कों में, क्रॉसिंग पार करते में, दुपहिया में ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि फिर अब उसमें दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो हम कोशिश करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ कमी आए या लोग इसके लिए सचेत हो जाए, इसके लिए प्रयास। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा अपील है कि एक साधन है मोबाइल फ़ोन, और इस साधन को साधन तक ही रखिए, इसको कोई नशा जैसा ना इस्तेमाल हो। सड़क पार करते समय अगर आपको फ़ोन करना है तो सड़क किनारे खड़े होकर बात कीजिए, फिर सड़क पार करिए या उसके बाद करिए, सड़क पार करने के बाद करिए। मोटरसाइकिल वगैरह चलाते समय में फ़ोन सुनने की कोई ऐसी आफत नहीं है, आप उस फ़ोन को 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद सुन सकते हैं, मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करके सुन सकते हैं या बात कर सकते हैं। थोड़ा स्टाइल लगता है मुझे, जहाँ तक आवश्यकता से ज़्यादा स्टाइल की बात है, तो अब ये ऐसे स्टाइल भी क्या स्टाइल जिससे आपकी जान को खतरा हो, तो ये समझने की बात है। सर, युवा में एक से एक गाड़ी, एक से एक बाइक तो है मार्केट में, लेकिन अब ये चीज़ें चलाने वाले के उस पर है, बुद्धिमत्ता पे है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। अब उसकी जो है स्पीड अच्छी रहती है, उसके सीसी हायर सीसी के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस स्पीड में चलें। बड़ा दुखद रहता है कि युवा साथी जब दुर्घटना के शिकार होते हैं, उनके घर में जो माँ बाप के जो भाव होते हैं, तब बहुत दुखद लगता है। लेकिन अब साथ में एक देखा देखी लोगों में, तो इसमें तेज़ी से चलना, रफ राइडिंग करना, इसमें कुछ तो असर शायद हमारे जो फिल्म के स्टंट वगैरह से भी है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, जितने भी स्टंट करने वाले और जो फिल्मी हीरो हैं, वो लगातार इस बात को भी कहते हैं कि देखिए ये घर में करने वाला या ये आपके लिए नहीं, हम तो बहुत सारी सुरक्षा की जो तौर तरीके हैं उसको अपना के ये करते हैं। जबकि अब आप खुली सड़क पे, जहाँ आम सड़क है, जहाँ आम ट्रैफिक है, वहाँ पर ये सब स्टंटबाजी करना खतरे से मतलब खतरा रहता है। जीवन बहुत अमूल्य है, और इस जीवन में कोई नहीं चाहेगा कि दुर्घटना का शिकार बने, अकाल मृत्यु हो किसी की, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसमें सभी लोगों को इस बारे में सचेत होने की ज़रूरत है। हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे और इन चीज़ों से थोड़ा बचें।